अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुरुस्त नहीं है, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए और तारीखी गलती का हल पेश करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी मस्जिद पर यह तबसरा एक ऐसे वक्त में आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी के एक अर्जी पर समाअत कर रही है, जिसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए मस्जिद के अहाते के अंदर सर्वे के लिए निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त पर फैसला 3 अगस्त को मुतवक्को है। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई से कहीं वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो, उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़े मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। इतवार की रात शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। पुराने शहर के अलावा नए शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल खुतबुल्लापुर, जड्डी मिटला, जगदगिरी या गुट्टा, सोराम, बहादुरपुरा, सिकंदराबाद, नेरपेट, खैरताबाद, पंजा गुट्टा, माधवपुर, गच्ची बोली, राय दुर्गम, बोराबंडा, मोती नगर, सनत नगर, अमीरपेट, एसआर नगर, रहमत नगर, यूसुफगुड़ा और दीगर मुकामात पर हल्की बारिश हुई, जिससे गाड़ियों और मुसाफिर बारिश में भीग गए। कई मुकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। जीएचएमसी के अहदेदारों ने बारिश के पेश नज़र गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। वार्निंग जारी की गई है कि शहर भर में बारिश का इम्कान है। जीएचएमसी और डीआरएफ ने इमदादी कार्रवाई के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम के नंबरात है 9001136 7 और एक दूसरा नंबर आते हैं 1111 1211। चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग की जानिब से नमाज अदा करने पर इसके जवाब में चंद नौजवानों ने बुलंद आवाज से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। चलती ट्रेन में पेश आए इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहाँ का है इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रेन में एक बुज़ुर्ग खामोशी के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि वहीं इस कंपार्टमेंट में बैठे चंद नौजवान अपने सेलफोन निकाल कर इसमें देख कर हनुमान चालीसा का बुलंद आवाज़ से जाप कर रहे हैं। ट्विटर में इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की जानिब से शदीद तनकीदें की जा रही हैं। नौजवानों की इस हरकत पर अखिलेश की तरफ से सवाल उठाने वाले अफराद ने भी बरहमी का इजहार किया। शहर में एक बेटी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। वजह ये बताई गई है कि घर को रात में ताखिर से पहुंचने पर बाप की जानिब से की गई सजनिश पर बेटी ने अपना ये इंतहाई इकदाम किया।
ریاست تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ذخائر آب کی سطح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی دوران ضلع نظام آباد کے سری سالم پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ ایک مرتبہ پھر دیکھا جا رہا ہے۔ پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے حکام کی جانب سے ڈیم کے 16 دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں 72,550 کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا ہے، جس کے بعد اتنی ہی مقدار میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں ریاست تلنگانہ کے ضلع مگوگا میں مگرمچھ کا گوشت فروخت کرنے والے ایک شخص کو محکمہ جنگلات کے حکام نے پکڑ لیا۔ یہ واقعہ ضلع مگوگا کے منڈل کے چندروا پلی گاؤں میں پیش آیا۔ بعض افراد مگرمچھ کا گوشت فروخت کر رہے تھے۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر محکمہ جنگلات کے حکام نے وہاں پر دھاوا کیا۔ فارسٹ رینج آفیسر چندرا مرلی نے بتایا کہ وجڑا منڈل چندوپلا گاؤں میں بعض افراد نے سیلاب کے پانی میں بہے ہوئے آنے والے ایک مگرمچھ کا شکار کیا اور اس کا گوشت فروخت کر رہے تھے۔ مکمل جانکاری ملنے پر محکمہ جنگلات کے حکام نے وہاں دھاوا کیا اور مگرمچھ کا گوشت فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت